लोकनायक जयप्रकाश की जयंती मनाने को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव जहां जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी जेपेनिक में श्रद्धा सुमन अर्पित करने को लेकर अड़ गए, तो वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये कहकर अनुमति देने से मना कर दिया कि जेपीएनिक में निर्माण सामग्री जहां तहां बिखरी हुई है, बारिश के कारण यहां कीड़े मकोड़ों के होने की भी संभावना है, क्योंकि सपा मुखिया के पास जेड प्लस की सुरक्षा है। ऐसे में उनका जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का दौरा करना सुरक्षित नहीं है। अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने उनके आवास के बाहर भी बैरिकेडिंग लगा दी और पुलिस बल की तैनात कर दी। प्रशासन की तमाम तैयारियों के बीच सपा मुखिया अपने आवास से बाहर निकले। इस बीच बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के साथ वहां पहुंचे। अखिलेश यादव ने सड़क के बीच ही मूर्ति पर माल्यार्पण किया। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है।